अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम पैरोडी पंच में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं जुनेद इकबाल और आज जिस डमी से हम बात करेंगे ये हैं पीटीआई की बागी रहनुमा आयशा गुललाई। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा साहिबा, आप खवातीन की सीट रिजर्व सीट से आप एमएनए हुई हैं और सारे जानते हैं कि आप डिसग्रंटल्ड हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपने इमरान खान साहब पर करप्शन, हैरेसमेंट और इनकम्पिटेंस, ये तीन एलिगेशंस आपने लगाए हैं। मोहतरमा मुझे ये बताइए कि हैरेसमेंट और दूसरा क्या था, इनकम्पिटेंस, ये दो चीज़ें तो समझ में आती हैं, ये करप्शन बीच में कहाँ से आ गई? यहाँ से आई ना करप्शन। यहाँ से? वो कैसे? क्या बताऊँ जुनेद साहब मैं आपको, वो जो न्याजी है ना, एक नंबर का फ्रॉडी और झूठा शख्स है वो। 50 दफा मैं उसे बैलेंस करवा चुकी हूँ। बैलेंस यानी कि इजी लोड करवाया? वही इजी लोड। अच्छा अच्छा। जब भी पैसे मांगती हूँ कहते हैं जब भी शौकत खानम के पैसे आएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा, अभी तक मुझे वो पैसे नहीं मिले। अच्छा, तो गोया शौकत खानम के पैसों से वापसी होगी। अच्छा, इतना तो कंजूस आदमी है वो। यह गलत है वैसे जुनेद साहब, खान साहब कंजूसी के अपना कोई सानी नहीं रखते। अच्छा, मैं भी वैसे इसको ऐड करूंगा यहाँ पे कि उनकी कंजूसी के बड़े वाकयात और बड़ी चीजें मशहूर हैं उनकी। बड़ी 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 किताब लिखी जानी है खान साहब के खान साहब ते 17 इंक्वायरी नी। हां हां, एनु मिस कॉल मार रहे। अच्छा, 17 को भी मिस कॉल ले मारते हैं? क्यों क्यों वापस कॉल? अच्छा, कि वो यानी इनको ये पता नहीं है लेकिन उनके खदशात है कि कहीं इसका भी बिल ना आता हो। खान साहब जेडे ने ना जुनेद साहब वो इंटरनेशनल मुफ्ते दे आदी हो गए मेरे साहब। सही कह रहे हैं। गड्डी जंगी ट्रेन दी, हेलीकॉप्टर भी जंगी ट्रेन दा, रोटी है बंदा पूरे दिन च एक दफा खांदा जी। अच्छा, वो भी किसी और दे पल्ले। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हो गई ना जमहूरियत की खिदमत। होर ते होर जुनेद भाई, बिल्लू नेटवर्क की इनफॉरमेशन के मुताबिक खान साहब करदे मंगन वाली सभा भी बन जाने ने कई बड़ी। अच्छा, हां जी, मंगन वाली सभा है जी। उन लिख मैसेज नहीं मैं जानता हूं, मैं अस्पताल के बाहर खड़ी हूं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें नबी से प्यार है, तो मुझे 30 रुपए का बैलेंस भेज दो, मैं वापस कर दूंगी जैसे मुझे मिल जाएंगे। खान साहब का काम पान दे जी आजकल। एक मेरे को होर इनफॉरमेशन है जी। जी जी, वो क्या एनु खुश करने लिए मैं दस रहा जी। हां हां, बेंड दी इनकम सपोर्ट दे मैसेज भी भेज दे खान साहब कई बार। यू हैव कंग्रेचुलेशन, यू हैव वन दैट 24,600 रुपीस, प्लीज कांटेक्ट विद दिस नंबर। वाह वाह वाह, ठीक है, ठीक ठीक बोल रहे हो। हां, वेरी गुड। इसलिए कि आपको ये इस तरह की बातें वैसे ही अच्छी लगेंगी। जो अच्छी तो लगनी है ना, इतना खान साहब के खिलाफ उस हद तक जाएगी, उस हद तक जाएगी, हले दे उस हद ते आते भी नहीं आई है। अच्छा खैर, चले मैं आयशा गुललाई साहिबा, आपसे मेरा एक अगला सवाल है। आप ये बताइए कि मैसेज वाला क्या मामला था आखिर, जिसने इतनी एक आग फैला दी? और जनाब मैं तुम दसना जुनेद साहब। चलो भाई साहब आप ही बता दें, बिल्लू साहिबा सुन ले आप। बिल्लू नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक यह जो मैसेज वाली कहानी है ना, यह इन्होंने घड़ी है। अच्छा, 4.5 साल वो मैसेज चल रहे ने। ठीक है, एक घुनी होके बैठी रही है, एडी कटघुनी, इन बुरा कदों लगे मैसेज? उदो जो इन्हें इन्हें वन तक टिकट मंगी। हाँ, टिकट मांगा और उन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया, कुछ रीजंस थी, अल्लाह ताला पला करे, तो इन्होंने रिएक्ट किया उसमें। जी अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो देसी खुसरे। देसी खुसरे, वाह क्या बात है। तुझे शायद पता नहीं है मैं बन्नू से हूँ, बन्नू से हैं, समझ तो गए ही होगे। अब तुम एक दिन पठानों के साथ रह के देखो जरा, मुंह दिखाने के काबिल ही रहोगे कहीं। हाय 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 हाय, बात करते हो भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एनीवे, अच्छा छोड़े सारी बातें, ये बताएं कि चले जो भी हो गया यार, बिल्लू मैं माजरा चाहता हूँ, ये तो मतलब क्या बात है, अभी उन्होंने सारे अगले पिछले घर में मैं ना ना औरत होने का लिहाज कर रहे हैं। हाँ। क्या औरत होने का लिहाज करते हो? हाँ। पूरा कबीला मेरे साथ खड़ा है, पता है तुझे? पूरा कबीला है नाल है, ता ये पुलिस ले करो निकल दीजिए। अच्छा वाह 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 वाह, ठीक है। अच्छा चलें, मैं तो समझता हूँ बहुत आला बात की है इन्होंने। अच्छा खैर, ये बताइए आयशा साहिबा जी, जी कि अब आप क्या, आपका आगे क्या लाया मलै को, उसकी जान छोड़ दें आप? ले ऐसे कैसे जान छोड़ दूं भला, उसकी पूरा हिसाब लूंगी उससे। एक एक पैसे का ने की हिसाब लेना है, पख पला लगा पुई पुई दा पे खोर दे गड़ा मड़ा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी पार्ट फोर एदी क्या, ये क्या, ये क्या कह दी है इन्हें, की हिसाब लेना जी, ये अपने पल्ले कुछ नहीं है। ठहर जा तू, अभी तेरा हिसाब लेती हूं मैं, तेरा तो भी हिसाब लेती हूं मैं। हेलो जे आशा एम, हां हां दे सारे लक्षम का।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.